कटरा थाने की लोकेशन अपने आप में बड़ी अहम लोकेशन है, क्योंकि जहां जैसे आपने कहा बहुत बड़ी तादाद में आने वाले माता के श्रद्धालु यात्री जो जहां पर आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का थाने से हो करके, थाने की मदद ले करके भी कई बार दर्शन करने का, या अदरवाइज थाने के साथ कभी उनकी कोई शिकायत व्यवस्था हो तो उनको थाने आना पड़ता था। बिल्डिंग पुरानी जो थी बहुत पुरानी हो गई थी और काफ़ी खस्ता हाल थी, इसीलिए आज से कोई 5-6 साल पहले ये काम शुरू किया था कि नया थाना तमीर करें जो जहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से सही हो, बेफिटिंग हो, एडिक्वेट स्पेस हो जवान के लिए, ऑफिसर के लिए, जो लोग आकर के जहाँ पर थाने में विजिट करें उनके बैठने के लिए जगह हो, सुविधा हो। मुझे लगता है कि हमारी पूरी रियासत और अभी यूटी में जो थानों की अगर तुलना इस थाने के साथ करी जाए तो ये अपने आप में एक मॉडुलर थाना है। हालांकि मैंने देखा है कि जवानों के लिए जो छोटी मोटी प्रोविजंस है उसमें और इजाफा करने की ज़रूरत है जो की जाएंगी। ये भी मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कभी कभार कुछ लोगों को आकर के थोड़ी देर बैठने बैठाने की सुविधा की ज़रूरत होती है, वो सुविधा भी अभी ऐड करेंगे, अभी नहीं है। मगर कुल मिलाकर के जो कटरा का थाना अभी बना है वो बहुत ही खूबसूरत है। लोगों को गलतफहमियां हो जाती कि एक वाका कहीं हो गया तो पता नहीं क्या तूफान हो गया। हम जानते हैं जो ढाई टोटरू इनके आगे पीछे कहां घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहां तक ये बैठते हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास है, कोशिश है। कुकरनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी खास दहशतगर्द के छुपे होने की उसके हाइड आउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहां पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुंचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ नहीं होते हैं। और इत्तफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है, अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है, और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फायर हम लोगों को अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। मैं सल्यूट करता हूं उन ऑफिसर्स को, जवानों को जहां जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी ओजेर को ढेर किया जो काफ़ी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है और साथ ही साथ गर्व भी है उन लोगों के ऊपर।